हैदराबाद से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार माधवी लता अपने क्षेत्र में मतदान संपन्न होने के बाद चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र पहुंच गई हैं। मुंबई पहुंची माधवी लता ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बाल ठाकरे का सच्चा उत्तराधिकारी बताया तो उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी और महायुति की शानदार जीत होगी। यहाँ के उम्मीदवारों ने बहुत मेहनत की है, दिख रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है। और इनके बीच में जो सहयोजता है, जो एक यूनिटी हम कहते हैं, वो बहुत बढ़िया है। और यहाँ के इतने सारे जो यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनमें भी एक बड़ी जोश है, एक अच्छे पॉजिटिव वातावरण है। जाते ही हम लोगों को पता चल जाता है प्यार यहाँ का, वार्मथनेस जिसे रिसीव करते हैं वो लोग। और हमने भिवंडी और काफ़ी जगह गए हैं, तो खास कर बहुत सारे तेलुगु के जो लोग थे, इतना उनका प्यार मुझे दिखा है, जिस प्रकार से जोश में थे वो, कि शायद अब की बार महाराष्ट्र भी एक धमाका दिखा देंगे। मैं एक ही बात बताती हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है दो दिन से, लगता है लोगों को अभी सही वारस पहचान लिए हैं अपने ठाकरे जी का, बाल साहेब ठाकरे जी का, और वो है शिंदे जी। क्योंकि मैं यही अपने अनुभव से जानती हूँ कि एक शिष्य ही सबसे बड़े उसूलों को पालन करने वाले होते हैं, और शिंदे जी बाल साहब ठाकरे जी का सही शिष्य है और उनके सही वारस हैं। अब की बार ये महाराष्ट्र दिखाकर रहेगी, क्योंकि इन पर हमारे मोदी भाई का हाथ भी है, जो सच्चाई को मानते हैं, जो ईमानदारी को मानते हैं। इनके 2 साल ही हुए हैं महायुति को आकर, तो 2 साल के पहले से जो अन्याय उनसे होते आ रहा है, क्योंकि ब्रिटिश के समय से उन लोगों को बुलाकर यहाँ का मुंबई को बनाने में जो उनका हाथ था, उसका एक श्रेय नहीं दिया गया उन लोगों को। लेकिन अभी उनको हिम्मत आ गया है कि यहाँ के तेलुगु लोगों को भी इतना ही प्यार मिलेगा यहाँ पर, जिन जिनको आवास नहीं है उनको आवास भी मिल जाएगा, बेरोजगारी के लिए नौकरियां भी मिलेंगी, और उनको अभी एक नया हिम्मत मिल गया है कि NDA के तहत महायुति और भाजपा का जो अभी गठबंधन है, उसमें सारे तेलुगु प्रजा को हिम्मत आज आ गई है कि उनको आगे बढ़कर हर प्रकार का सुविधाएं उनको दिया जाएगा। भैया मैं एक ही बताता हूँ, जो लोग हारने लगते हैं ना, जिनके अंदर हारने के डर होते हैं ना, तो इसी प्रकार के भाषण देना शुरू कर देते हैं वो लोग। जो लोग जीतते हैं तो पहले वो अपने कार्यक्रमों के बारे में बात करते हैं, तो यही भी यहाँ पे भी यही हाल है उद्धव ठाकुर जी का, कि पहले वो अपना क्या करना चाहते हैं लोगों को मुद्दा वो बात कीजिए ना, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, अभी वक्त ही दिखा देगा।